हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हम आ चुके हैं और न्यू और नई वीडियो के साथ दोस्तों। तो अब मेरे को पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, बहुत 2 मंथ्स हो चुके हैं दोस्तों, पर अब से डेली वीडियो आएगी दोस्तों। जो कि आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप के 5 दोस्तों कूल फीचर्स बताएंगे और उनको आप कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कमाल के फीचर हैं और जिससे आपका डाटा भी सेव होगा, आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, स्टोरेज बूस्ट होगी दोस्तों, आपकी बैटरी भी सेव होगी। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल के फीचर हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी होगा पर बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सभी फीचर्स को यूज़ करने के लिए जो कि आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले फीचर्स की ओर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम किसी को भी एक हम चैट खोल लेते हैं, यहाँ पर हम किसी को भी जैसे कि मैसेज करना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि हमने हेलो टाइप किया, हेलो, और दोस्तों यहाँ पर हम अगर हमें इसको सेंड करना है दोस्तों तो हम सिर्फ इसको क्लिक करके इसको सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस हम इसको बिल्कुल भी सेंड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, जैसे कि हम इसको क्लिक करके सेंड नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये सेंड नहीं हो रहा है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल में होते हैं, यहाँ से आप सेंड कर लेते हैं और वो सेंड हो जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती। बट दोस्तों आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है दोस्तों और यहाँ पर आपको जाना है चैट्स में। तो यहाँ पर आपको चैट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एंटर इज सेंड, तो आपको इसको ऑन कर लेना है गाइस, और जो कि वो आपका फीचर है वो कि ऑन हो जाएगा। तो अब हम आपको शो करते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमने अब हाई टाइप किया, तो देखिए हमने अब यहाँ से क्लिक किया तो ये यहाँ से भी दोस्तों सेंड हो रहा है दोस्तों बहुत ही इजीली, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। आप यहाँ पर टाइप करते करते यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सेंड कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास दोस्तों दो दो ऑप्शन हो चुके हैं दोस्तों आप सेंड करने के लिए, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। तो दोस्तों हम चलते हैं। सो गाइस, जो कि मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी कि फीचर बताने वाला हूँ दोस्तों, उससे आपका जो कि मोबाइल डाटा है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत कम यूज़ होगा व्हाट्सअप यूज़ करते टाइम दोस्तों। बहुत सारे लोगों का डाटा व्हाट्सअप यूज़ करते करते ही 100% यूज़ हो जाता है दोस्तों, पर आप इस फीचर्स ऑन करने के बाद आपका डाटा बिल्कुल भी जो कि है वो 100% यूज़ नहीं होगा दोस्तों, यानी कि बहुत ही कम यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपको इस सेटिंग को ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जाना होगा स्टोरेज एंड डाटा में, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, इसको आपको टर्न ऑन कर लेना होगा यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कॉल करते हैं दोस्तों, कॉलिंग करते हैं वॉइस कॉलिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ होता है। अगर आप इस फीचर को ऑन रखेंगे तो जो कि आपका मोबाइल डाटा है वो बहुत ही लेस यूज़ होगा, यानी कि बहुत कम यूज़ होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, जिससे आपकी बैटरी भी थोड़ी कम यूज़ करेगा व्हाट्सएप। तो दोस्तों इस फीचर को ऑन कर लेने का, अगर दोस्तों आपको ये फीचर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं हम अगले फीचर की ओर। सो गाइस, जो कि हमारा 3rd नंबर पर फीचर है दोस्तों वो कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारी जो कि लाइव लोकेशन है उसको शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसे शेयर लाइव लोकेशन और सेंड। तो यहाँ पर देखिए हमने ये अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी है, यानी कि और किसी ने अपने मोबाइल पे हमारी लाइव लोकेशन शेयर कर लिया, कुछ लोग ऐसा करते हैं, और यहाँ से फिर वो डिलीट फॉर मी कर लेते हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं और आपको कुछ पता भी नहीं होता दोस्तों। लाइव लोकेशन शेयर करने से कुछ ऐसा होता है कि वो आपको कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल से, और दोस्तों जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बात, आप जहाँ जहाँ पर जाओगे उनको पता होगा कि आप कहाँ पर हो, तो दोस्तों ये बहुत ही एक गलत बात है। तो इसको आपको पता करने के लिए जो कौन आपको ट्रैक कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर अकाउंट्स में जाना है और फिर जाना है प्राइवेसी में। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको एक लाइव लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, गाइज यहाँ पर आपको एक लाइव लोकेशन का होगा, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको नन आ रहा है, देखिए अभी कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा है दोस्तों, ना ही कर रहा है अभी कोई भी ट्रैक, तो यहाँ पर नन होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई ट्रैक कर रहा है तो यहाँ पर उसका जो कि जिस नाम से आपने उसका कॉन्टैक्ट सेव किया होगा उसका नेम आ जाएगा और आप उसको रोक सकते हैं, यानी कि उसको डिलीट कर सकते हैं आपकी लाइव लोकेशन को। तो दोस्तों ये बहुत ही एक ज़रूरी फीचर है, तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस, जो कि हमारा 4th नंबर पर फीचर है दोस्तों, वो इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आपको टर्न ऑन करना ही करना है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके अकाउंट्स में आना है दोस्तों, और यहाँ पर इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक ही फीचर मिलता है दोस्तों टर्न ऑन करने के लिए, और यहाँ पर आपको ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन सा मिलता है दोस्तों,
और हम एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, व्हाट्सअप सिक्योर्स योर कन्वर्जेशंस विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन। दोस्तों इसका मतलब है कि जो कि आप व्हाट्सअप पे चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या वॉइस कॉल करते हैं, वो आपके बीच रहता है, सिर्फ उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है आपने क्या चैट की, कुछ किया, बस आपको ही पता है उसके बारे में। तो इसका कुछ ऐसा मतलब है। और इसके नीचे आपको एक फीचर मिल रहा होगा शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस, तो आपको इसको टर्न ऑन कर लेना है। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि इसको ऑन करने का मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आपने एक नया मोबाइल लिया और उसमें आपको आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया और लॉगिन किया सेम नंबर से, सेम आईडी से, तो आपने लॉगिन किया, तो अगर आपका सिक्योरिटी कोड चेंज होता है या कुछ भी आपकी सिक्योरिटी में कमी आती है तो आपको मैसेज मिल जाएगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने न्यू मोबाइल लिया और उसने सेम नंबर आपके मोबाइल में, उसका जो कि मोबाइल नंबर है वो सेव है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके मोबाइल में वो सब, उनका किसी का भी सिक्योरिटी कोड है जो कि वो चेंज होता है तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस फीचर को ज़रूर ऑन कीजिएगा। और चल अब हम चलते हैं अपने अगले फीचर की ओर। तो गाइस जो कि इस वीडियो का लास्ट फीचर है, यानी कि फिफ्थ फीचर और सबसे इस वीडियो का इंपॉर्टेंट फीचर, तो दोस्तों आपको उस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसको आपको डाउनलोड करने के लिए आपके प्ले स्टोर पर जाना है दोस्तों। मैं वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है चैट करते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। कुछ ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसको कुछ परमिशंस है जो कि वो अलाउ कर लेने हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ ये ऐसा कुछ एरो सा कुछ पॉपअप टाइप आ चुका है यहाँ पर, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसका कुछ ऐसा काम है जैसे कि व्हाट्सअप हमने ओपन किया और यहाँ पर हम इस बंदे के साथ दोस्तों चैट कर रहे हैं और हमारे साइड में कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसको हमारी चैट शो ना हो, सिर्फ हमें शो हो, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि अपने स्क्रीन को ग्रीन या ब्लैक कर सकते हैं, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं और आप ऐसे आपका जितना मर्जी जितना आप चाहे उसको ब्लैक कर सकते हैं स्क्रीन को, और उसको बिल्कुल भी शो नहीं होगा कि आप क्या चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ आपको शो होगा, यानी कि ये हल्का हल्का विजिबल है, बट जो कि आपके साइड में बैठा है उसको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। आपको विजिबल होगा तो जो कि आपको आपकी चैट है जो कि वो कोई भी रीड नहीं कर पाएगा, जो कि चैट करते टाइम अगर आपके साइड में कोई बैठा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है। तो आप इस फीचर को ज़रूर यूज कीजिएगा और इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये सारे फीचर्स आपको अच्छे लगे या कोई भी फीचर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।